नाचकार करते हुए भगार खिलाड़ी खेल बहाने का परिचय देते हुए अभिमुखीकरण प्रयाण भी एक जोड़ा का ये स्वागत है, अभिनंदन है। इसी क्रम में सबसे आगे अपने दल का नाम बोलेंगे, अपने स्टेट का नाम बोलेंगे और चलते रहिए, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हेलो, वो झंडे की तरफ, फ्लैग की तरफ, मंच की तरफ एक साथ कमांड करना है, अपने स्टेट का नाम बोलना है। दाहिने देख, फिर बोलना है सामने देख, एक साथ परेड करते हुए, परेड करते हुए, कदम ताल करते हुए पंजाब से दाहिने देख, इस प्रकार सुबह आपको मैनेजर टीम के साथ बता रहे मैनेजर कोचेज से मेरा अनुरोध रहेगा कि मार्च पास के समय अपने राज्य का झंडा लेके आए 3x2 का और 6 फुट का बांस और 4x6 का जो झंडा है वो पीछे लगेगा, ठीक मेरे सामने जहाँ पवेलियन है वहाँ झंडा वहां लगेगा बड़े वाला और छोटा झंडा लीडर के पास रहेगा। कमांड कीजिए, कमांड कीजिए प्लीज, चलते रहिए, आगे चले। चलते रहिए आगे तक, समस्त व्यवस्था में लगे कार्मिकों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप इनको क्रम से आगे एक लाइन में सहयोग कराएं। भारत के विभिन्न प्रांतों से पधारे खिलाड़ियों का हम इस आदर्श स्टेडियम में, इस खेल ग्राउंड में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। सभी ने रिहर्सल में भाग लिया, 4 बजे अपने दल को झंडे के साथ में आपको पीछे की तरफ जो ट्रैक बनी हुई है उस ट्रैक तक आपको खड़े हो जाना है जहां सुबह तख्तियां लग जाएगी आपके 6x4 का फ्लैग जो सामने लगेगा और 3x2 का जो ध्वज है वो लीडर के पास रहेगा। यस, हाँ यस। स्कूल गेम्स फेडरेशन के तत्वावधान में पूरे भारत के 14 वर्ष से कम की बालिकाएं बास्केटबॉल खेलने के लिए यहाँ आई हुई है। वैसे 33 स्टेट्स है पर यहाँ हमारे यहाँ पे 29 राज्यों की टीमें हैं, वो हिस्सा लेंगी। कितने खिलाड़ी रह रहे हैं, किस प्रकार से रहने की व्यवस्था? प्रत्येक टीम में 12 प्लेइंग खिलाड़ी है और उनके साथ में 3 उनके कोच है, इंचार्ज है और उनके मैनेजर है। इस प्रकार एक टीम में 15 मेंबर आए हैं। बालिकाओं के ठहरने की व्यवस्था? बालिकाओं के ठहरने के लिए अपने जो 3 तो हॉस्टल्स हैं, अनुसूचित जाति जनजाति हॉस्टल, एक KGBV का हॉस्टल और एक राजकीय हॉस्टल बालिका हॉस्टल, 3 हॉस्टल्स हैं। इसके सिवाय जांगीर समाज भवन है, मायस्वी समाज भवन है, जाट चैरिटेबल ट्रस्ट है, इस प्रकार सिंधी धर्मशाला है, इन सब लोगों ने। सर, राजस्थान में अंडर 14 की पहली बार ये टूर्नामेंट हो रहे हैं, किस प्रकार से जो है व्यवस्थाओं को लेकर राजस्थान में कितने दिन से चल रही है व्यवस्थाएं? हमारे को वैसे ये जो टीमें आ रही हैं इनकी सूचना 2 तारीख को मिली है, परंतु ये शेड्यूल है वो लगभग नवंबर महीने में आ गया था। नवंबर महीने से 2 बार पूरे राजस्थान के जो जो नेशनल गेम्स होने हैं उनकी मीटिंग बीकानेर में आयोजित हुई डायरेक्टर महोदय की अध्यक्षता में, वहाँ पे जो गाइडलाइन थी उसके अनुसार व्यवस्था करने के लिए कहा गया और सारी व्यवस्थाएँ जैसी विभाग की और SGFA की गाइडलाइन है उन्हें उसके अनुसार व्यवस्था कर दी गई। सरहदी जिले में हो रही कितनी खुशी की बात है कि पहली बार अंडर 14 की टूर्नामेंट जो है, देखो किसी भी प्रकार का आयोजन चाहे वो गेम्स का हो या कल्चरल एक्टिविटी का हो या कोई और मेला हो वो अपने आप में एक महत्व रखता है। और रहा ये राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता का, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ की जो खेल प्रतिभा है जो स्टेट लेवल तक खेली हुई है, नेशनल लेवल तक खेली, इवन बास्केटबॉल में इंटरनेशनल प्लेयर भी अपने पास में है, उनसे भी बच्चे इंस्पायर होते थे। परंतु अब ये जो पूरे देश की बालिकाएं खेलेगी
तो उनको देख करके अपने यहाँ की बालिकाएं, क्योंकि अपन सभी अनुभव करते हैं कि हालांकि शिक्षा में अपनी बालिकाएं काफ़ी आगे बढ़ गई है, स्पोर्ट्स में भी जो अपन ट्रेडिशनल गेम्स है उसमें तो अपन काफ़ी है, परंतु इन गेम्स में अपनी कम थी। तो इनको देख करके और इनकी प्रतिभाओं को देख करके, इनके खेल के हुनर को देख कर, निश्चित रूप से अपने देश अपने जिले की प्रतिभाओं को एक सुनहरा अवसर है, और हम सबको आकर के इन सब प्रतिभाओं का प्रोत्साहन करना चाहिए और अधिक से अधिक इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए अपनी बालिकाओं को भी प्रेरित करना चाहिए।